बेशक बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट है, पर हमीरपुर पहुंचे आम ने मिठास खोलकर सभी का दिल जीत लिया है। सीमा पार से आया चौसा आम हमीरपुर में हाथों हाथ बिक रहा है। बड़ा साइज और पीले रंग के साथ साथ रसीला यह आम बाजार पहुंचते ही छा गया है। हमीरपुर में चल रहे सेब सीजन पर इस बार हमीरपुर में ये पाकिस्तान आम भारी पड़ने वाला है। अब लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। हालांकि आम का दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर है, पर फिर भी इसकी डिमांड बनी हुई है। शहर में ये आम 2500 किलो रुपए के हिसाब से बिक रहा है। पड़ोसी मुल्क के मुल्तान इलाके से पहुंचे इस आम की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार ऑफ सीजन होने के कारण आम की पैदावार कम हुई है और मार्केट में बाहरी मंडियों से जो आम आया था उसका रेट भी 80 और 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं था। अब आम का सीजन लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान के इस चौसा आम के प्रति लोगों की दीवानगी जायज भी है। वहीं दुकानदार ने बताया कि हमीरपुर में पाकिस्तान के आम की डिमांड है और इसका लाजवाब स्वाद लोगों को आकर्षित करता है। अगस्त महीने में मुल्तान के आम की सप्लाई शुरू हो जाती है और 15 सितंबर तक सीजन रहता है। ऐसे में इनकी सप्लाई यहां आती है। उन्होंने बताया कि लोगों की डिमांड पर अन्य फल भी विदेश से मंगवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आम पंजाब की मंडियों में आता है, वहां से इसे मंगवाया जाता है। स्वाजी बताएंगे, आप यहाँ पाकिस्तानी आम आ रहा है, तो क्या डिमांड है इस आम की? आम की डिमांड ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, आम का टेस्ट भी अच्छा है और ग्राहक ले जा भी रहे हैं। 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मंडी में वहाँ चला है पंजाब से और यहाँ 250 रुपए किलो बिक रहा है। कहाँ का आम आ रहा है आप? ये पाकिस्तान का आम है, मुल्तान से चलता है और पंजाब की मंडियों में, दिल्ली की मंडी में आता है, वहाँ से दिल्ली से आगे सप्लाई होती है। और विदेश की कौन कौन सी फल आपके पास है? हमारे पास जो भी डिमांड आती है, कोई थाईलैंड का फ्रूट आता है और बाहर का कोई फ्रूट मांगते हैं, सेब मांगते हैं या कोई चीज मांगते हैं, हम ऑर्डर पर मंगा कर दे देते हैं। मतलब विदेशी फलों की यहाँ पे ठीक डिमांड है? हाँ, ठीक ठाक है। कहीं जो भी डिमांड हमारे ग्राहक बोल जाता है तो वो हम मंगा कर दे देते हैं। अब मुल्तान भी आम स्वाद चर्चा और रेट में सुल्तान बन गया है। साथ ही साथ अन्य ऑफ सीजन फल भी हमीरपुर के मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए हैं। सहारनपुर बेंगलुरु का खरबूजा भी लोगों को खूब भा रहा है। कैलिफोर्निया का अंगूर, थाईलैंड के मरूद भी लोगों को अपना स्वाद दे रहे हैं। ये सभी ऑफ सीजन फल शहर में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल व कश्मीर के सेब ने भी मार्केट में धाक जमाई है। वहीं गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वह कई सालों से हमीरपुर में फलों की दुकान करते हैं। उनके पास देशी के साथ साथ विदेशी फलों का अच्छा खासा स्टॉक रहता है। वह बाहरी मंडियों से ही सारा सामान मंगवाते हैं, इसीलिए वह हमीरपुर में खास सुर्खियों में रहते हैं। पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत के पास हर एक देसी विदेशी फलों की सभी किस्में मौजूद हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, हमीरपुर में हमारे पास मिल रहा है और इसमें स्वाद इसका बहुत अच्छा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं और ये मार्केट में दूसरे आम की बजाय ये ज़्यादा बढ़िया है। कुछ तो भी मंगाते हैं, ऐसे भी मंगाते हैं ना, सारे आजकल खराब हो जाते हैं मौसम की वजह से। वहीं दुकान से आम खरीद रहे व्यक्ति ने बताया कि इस आम की हमीरपुर में सबसे ज्यादा डिमांड है और वो खाने में भी स्वादिष्ट है। उन्होंने बताया कि वह भी 2 किलो आम अपने घर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान से आया हुआ है और खाने में इतना स्वादिष्ट है, इसकी शहर में डिमांड बहुत ज्यादा है। आप ले जा रहे हैं इसको? हाँ जी, मैंने 2 किलो पैक करवाए हैं।